आज के ताजा मौसम समाचार। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ अब बादल बढ़ने लगे हैं, जिनके चलते इन राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी है और तेज ठंड के लिए तैयार रहें, यानी कि ठंड अभी और तगड़ी पड़ने वाली है। आज सुबह से लगातार देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग 16 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान में तो स्पेशल हाई अलर्ट है, कई सारी ट्रेनें और फ्लाइट भी लेट चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। ये राजस्थान का नक्शा आप देख सकते हैं, अलग अलग जिलों में कोहरे की स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं देश के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ। गाड़ी चलाते समय स्पेशल सावधान रहें। पंजाब चंडीगढ़ की तस्वीर है ये देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर के हालात, ट्रेन भी कितने कोहरे में चल रही है। ये बिहार पटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये महाराष्ट्र ठाणे की तस्वीरें हैं। और इस बीच देखिए, राजस्थान में 7 से 9 जनवरी तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना, यानी कि ओले गिर सकते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी प्रदेश के 10 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। 11 जनवरी तक मानसून की तरह ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं झारखंड में भी झमाझम बारिश की चेतावनी, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। 8 तारीख से और कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। झारखंड रांची में देखिए, बेमौसम की बारिश चल रही है, 2 दिन बाद और ठंड बढ़ने की चेतावनी है और कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। एमपी में हालात देखिए आप, तेज बारिश की वजह से किसानों की गेहूं की फसलें कितनी बर्बाद हो गई। गेहूं की फसल पूरी तरह से आड़ी पड़ गई है, जमीन पे लेट गई। देख सकते हैं आप, अन्नदाता बोले कि रात दिन की मेहनत बर्बाद हुई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में कितना नुकसान हो रहा है गेहूं की फसलों में। देश की राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड के बीच बारिश की संभावना है और उत्तराखंड में देखिए, बारिश और बर्फबारी का इंतजार खत्म होने जा रहा। 3 दिन बाद प्रदेश का मौसम बदलेगा। राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कुछ अपडेट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए आप, शीतलहर और बढ़ती ठंड की वजह से राजसमंद में 8 जनवरी तक अवकाश रहेंगे, 1ली से 8वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए। इसी तरह से दौसा में देखिए आप, 1ली से 7वीं तक की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है और 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी 11 से 3 बजे तक चलेंगी, जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान जालौर में भी 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश बढ़ाया गया, मतलब सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी है। टोंक में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया। बीकानेर में 9 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। राजस्थान करौली में 13 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई है। जोधपुर में भी 13 जनवरी तक अवकाश रहेंगे। श्री गंगानगर में भी छुट्टियां बढ़ाई गई, 11 तारीख तक छुट्टियां रहेगी। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के फैसले रहे। अच्छा, पंजाब सरकार ने भी एक फैसला लिया, बढ़ती ठंड के चलते 14 तारीख तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, मतलब आंगनबाड़ी पर छुट्टियां रहेगी। पंजाब की मंत्री बलजीत कौर ने घोषणा करते हुए कहा कि ठंड में बच्चों का आना मुश्किल है और इसीलिए छुट्टियां बढ़ा दी गई है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अभी अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है दोस्तों, देखिए आप, मैं आपको अलग अलग स्टेट के कुछ न्यूज हाईलाइट्स अपडेट बताता हूं फटाफट से। ठीक है, एमपी ग्वालियर में देखिए, जॉगिंग करते समय एक व्यक्ति की जान चली गई। मध्य प्रदेश में 6 दिन बारिश कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट, 3 दिन तक 20 से ज्यादा जिलों में इसका असर रहेगा। पंजाब में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। अमृतसर में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम पहुंची। रेल हवाई यातायात प्रभावित हुई, 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी लेट हुई। हरियाणा के 12 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, 10 मीटर तक विजिबिलिटी चल रही है, बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में हालात देखिए आप, कई जगहों पर तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। लखनऊ कानपुर में बारिश भी हुई। झांसी में कोहरे से एक ट्रैक्टर भी पलट गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 15 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में बरसात के साथ ओले गिरने का अनुमान है, तो जरा सावधान रहिएगा वरना ओले और बारिश में काफी दिक्कतें हो सकती है, ठंड और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में बारिश से ठंड बढ़ी। कोरिया, मनेन्द्रगढ़, गोरेला और बलरामपुर में देर रात सुबह तक पानी गिर रहा था। बिहार, पटना, गया समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार के अंदर देर रात हुई बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड, कई शहरों में बादल भी छाए हुए हैं। और भी आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संभावित गतिविधियां क्या क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल देख सकते हैं। आंतरिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, यूपी वगैरह में तो बारिश की संभावना है ही। साथ ही कर्नाटक, पश्चिम हिमालय, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। इन राज्यों में घना कोहरा भी छाया रहेगा, तो सावधान रहेगा। और वैसे दोस्तों, आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।